मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल्केमी स्कूल, क्लास 3 हिंदी। आज हम हिंदी में चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है पेट की दुनिया। फ्रेंड, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, पेट की दुनिया। तो ये जो लेसन में है, पेट पौधों का इम्पोर्टेंस बताया गया है। पेड़ की दुनिया। हमारे बगीचे में कई पेड़ हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठकर हम खेलते हैं। वहाँ सेमल का भी एक पेड़ है। वह मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। जब तक पत्तियाँ हैं तब तक तो ठीक है, पर पत्तियाँ गिर जाने के बाद 3-4 महीने तो वह बड़ा भद्दा सा लगता है। वसंत ऋतु में बड़े बड़े लाल लाल फूलों के कारण सारा पेड़ लाल दिखाई पड़ता है, पर इतने फूल को उठाने का मन ही नहीं करता। एक दिन मैंने दादाजी से कहा, दादाजी इस पेड़ को कटवा दें तो। दादाजी बोले, अमित, पेड़ काटना ठीक नहीं है। यह पेड़ तो इतने सालों से खड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे यह पसंद क्यों नहीं है और कहा, आप कहें तो हम इसकी जगह गुलमोहर और अमलतास का पेड़ लगा देंगे। दादाजी नहीं माने, बोले, गुलमोहर और अमलतास तो लगा लेंगे, पर जानते हो, सेमल के साथ एक भरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। दादाजी ने शुरू किया, आजकल वसंत ऋतु है, फूलों से भरा हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है। इसके फूलों को देखो, जितने बड़े हैं उतने ही रस से भरे हैं। इस मीठे रस की दावत उड़ाने सवेरे सवेरे बहुत से पक्षी आते हैं। सबसे पहले कौवा आता है, जल्दी जल्दी फूल के अंदर चोंच डुबाकर मीठा मीठा पराग खाता है। कौवे के जाते ही वहां बहुत से पक्षी आ जाते हैं। तोतों के झुंड पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर बैठते हैं। मैनाएं फुदक फुदक कर फूलों के अंदर झांकती हैं, रस खींचती हैं और किसी की बोली की नकल करने लगती हैं। दूसरे पक्षियों को भी देखो, इस पेड़ पर कोयल, बुलबुल, हुदहुद, नीलकंठ और कठफोड़वे भी मिल जाएंगे, कभी कभी बाज और चील भी। पेड़ जब पत्तियों से ढक जाता है तो अनेक पक्षी घोंसला बना लेते हैं, उनमें अंडे देते हैं। अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो सैकड़ों नन्ही जाने शोर करने लगती हैं, जैसे कहती हैं, हम मिलजुल कर रहें तो खुश रह सकते हैं। सोचो, सेमल को कितनी खुशी होती होगी इतने परिवारों को फलता फूलता देखकर। इस पेड़ के तने पर और भी अनेक घर बने मिलेंगे। कठफोड़वे के लिए सेमल के तने में छेद करना आसान है। वह पेड़ की छाल के अंदर छिपे कीटों को खाता है और खोखल बनाकर छोड़ देता है। इन खोखलों में गिलहरियां बस जाती हैं। कभी कभी तो सांप, नेवले, चूहे भी अपना अपना घर बना लेते हैं। किसी खोखले में या किसी डाली पर उल्लू भी आ बैठता है। रात को किसी नेवले या चूहे ने बाहर निकलने की हिम्मत की तो उल्लू ले जाता है। ध्यान से देखो तो तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ती उतरती अनेक प्रकार की चींटियां भी मिल जाएंगी। अब तुम्हें बताओ, एक सेमल का पेड़ काट दें तो इतनी बड़ी भरी पूरी दुनिया का क्या होगा, जो सेमल के पेड़ पर निर्भर है और हम भी तो निर्भर हैं उस पर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यहाँ पे अमित नाम का एक लड़का है, वो बगीचे में खेलने के लिए जाता है तो वो सब बच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर खेलते हैं। देखो, वो पिक्चर में दिखाया गया है कि आम के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा बोलता है कि वहाँ एक सेमल का भी पेड़ है। वो अमित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि जब पत्तियाँ होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पत्तियाँ गिर जाती है, फूल गिर जाते हैं
तो 3 महीने वह बहुत बड़ा सा लगता है। वसंत ऋतु में वो पेड़ पे लाल लाल फूल आते हैं, तब वो फिर पेड़ अमित को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तो वो फूल उठाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद अमित को वो पेड़ बड़ा सा लगता है। तो अमित अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी हम ये पेड़ काट नहीं सकते क्या, ये पेड़ काट ले तो हम, तो दादाजी बोलते हैं कि अमित ये पेड़ तो बहुत पुराना है, सालों से यहाँ खड़ा है और ये पेड़ पे भरी पूरी दुनिया बसी हुई है। तो अमित को दादाजी की ये बात समझ में नहीं आई कि भरी पूरी दुनिया का मतलब क्या होता है, तो ये समझाने के लिए दादाजी उसको समझाते हैं कि भरी पूरी दुनिया का मतलब क्या होता है। अमित दादाजी को ये भी बोलता है कि दादाजी ये पेड़ काट के उसकी जगह पे हम गुलमोहर और अमलतास का पेड़ लगा दे तो, लेकिन दादाजी ये बोलते हैं कि गुलमोहर और अमलतास के मुकाबले सेमल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इस पे भरी पूरी दुनिया जो बसी उसका क्या मतलब होता है वो आगे हम देखेंगे। कि दादाजी का कहने का मतलब ये है कि अभी वसंत ऋतु है, ये पेड़ अभी फूलों से भरा है तो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे फूल होते हैं तो फूलों का रस पीने के लिए यहाँ पे सवेरे सवेरे बहुत से पक्षी आते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौवा आता है और सुबह सुबह उसका मीठा मीठा परख खाता है, और परख खाने के बाद कौवा सोचता है कि मेरी बोली भी कोयल के जैसी मीठी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब वो बोलता है तो होता है कभी, जब वो बोलता है तो वो अपनी आवाज़ में काऊं काऊं करता है। फिर कौवे के जाने के बाद टोटो का बड़ा सा झुंड आता है, वो सेमल के पेड़ के सबसे ऊपर की डाली पे बैठते हैं और मैनाएं फुडक फुडक कर चिल्लाती है वहाँ पे, फुडक फुडक पर के उसका गाती है, रस चखती है, मतलब यहाँ पे इतने सारे पंछी आते हैं, दूसरे पक्षी कोयल, बुलबुल, हुडहुड, नीलकंठ, कठफोड़वे जैसे बहुत से सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं, कहीं बाज और चील भी आते हैं, और बाज और चील के चील को सेमल के रूप रंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो दूसरे पक्षी को झपट कर खाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव? बाज और चील का स्वभाव, के वो दूसरे पक्षी को झपट कर खा लेते हैं। अबाबिल भी ये सेमल के पेड़ पे आता है, लेकिन उसको शहद पसंद नहीं है, वो शहद के लिए नहीं आता है, लेकिन सेमल के फूल के सेमल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, और वो कीट पतंगे अबाबिल को पसंद है, इसीलिए वो सेमल के वृक्ष के ऊपर आता है। ये पेड़ नेक्स्ट पेज, इस पेज पे हम देखेंगे कि सेमल के फूल सेमल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी एक घोंसला भी बनाते हैं। देखो ये एक घोंसला हमें दिख भी रहा है, तो बहुत सारे पंखी जब घोंसला बनाते हैं तो उसमें अंडे रखते हैं, और अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं ना, तो वो सब बच्चे साथ में जब शोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सेमल के पेड़ का एक परिवार है, वो ऐसे मिलजुल कर बहुत खुश रह सकते हैं। सोचो सेमल के पेड़ को तो कितनी खुशी होती होगी, जैसे पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर है। ये सेमल के पेड़ के तने में अनेक घर मिल जाएंगे। कठफोड़वे के लिए सेमल के तने में छेद करना आसान है, तो कठफोड़वा क्या करता है, सेमल के तने में छेद करता है और छाल के अंदर के कीटों को खाता है और खखोल बनाकर छोड़ देता है। अब जिसमें कठफोड़वे खखोल बनाता है वहाँ पे दूसरे अलग अलग पशु पक्षियाँ जो होते हैं वो वहाँ पे घोस अपना खखोल में अपना घर बसा लेते हैं। कभी कभी तो वहाँ पे सांप, नेवले, चूहे भी अपना घर बना लेते हैं, और सेमल के पेड़ की डाली पे कभी कभी उल्लू भी आती है। देखो ये हमें पिक्चर में उल्लू दिखेगी, ये रहा, तो कभी कभी उल्लू भी आते हैं, और रात में अगर किसी चूहे या सांप नेवले ने बाहर निकलने की हिम्मत की तो क्या करता है, उल्लू उसका शिकार कर लेता है। फिर सेमल के पेड़ के ऊपर चढ़ती उतरती हुई चींटियाँ भी दिख जाएगी। देखो ये सारी चींटियाँ हैं, तो चींटियाँ भी दिख जाएगी।
बड़े बड़े लाल चीटे, भूरी और काली चीटियाँ यहाँ पे हमें दिखेगी। मधुमक्खियाँ भी यहाँ पे अपना छत्ता बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसको शहद के लिए कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे कीट और पशु पक्षियाँ यहाँ ये पेड़ से जुड़े हुए हैं। तो अब पेड़ से इतने सारे पशु पक्षियाँ जुड़े हुए हैं, तो ये पेड़ की दुनिया, वो पक्षियों के लिए ये पेड़ अपनी दुनिया हो गया है। तो किसी की दुनिया हम नहीं उजाड़ सकते, ऐसा दादाजी अमित को समझाते हैं। कि अब तुम बताओ कि हम किसी की दुनिया उजाड़ सकते हैं? ऐसी भरी पूरी दुनिया ये सारे पशु पक्षियों से बनती है जो इस पेड़ पे निर्भर है। तो हम किसी की भी दुनिया नहीं उजाड़ सकते हैं। काम वाली बाई जो होती है वो यहाँ से अपना काम वाली बाई जो है वो यहाँ से रुई बटोर कर ले जाती है। दादाजी अमित को बताते हैं कि ये जो मेरा तकिया है ना, वो भी उसी रुई से बना है। और दादाजी अमित को याद कराते हैं कि तुम भी तो सेमल के पेड़ पे आती तितलियों के पीछे भागते हो, वो क्यों भूल जाते हो? तो मतलब सेमल के पेड़ के साथ इतनी सारी बातें जुड़ी हुई है। तो फिर दादाजी अमित को पूछते हैं कि बोलो अमित, क्या हम ये सेमल का फूल पेड़ काट सकते हैं? तो अभी अमित को समझ में आ गया। तो अमित बोलता है, नहीं दादाजी, हम किसी की भी दुनिया नहीं उजाड़ सकते, तो अब हम सेमल का फूल नहीं का पेड़ नहीं काटेंगे। तो ये पूरे लेसन में ये समझाया गया है कि पेड़ का क्या महत्व होता है। तो ये पाठ में पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है कि पेड़ पौधे हम मनुष्य जीवन के लिए और धरती पे सारे जीवों के लिए कितने आवश्यक है वो बताया गया है। कि पेड़ पौधों की अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की सुरक्षा का भी एक प्रश्न आ जाएगा। तो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए भी पेड़ पौधा उगाना बहुत आवश्यक है। तो आप मुझे बताओगे कि क्या आप अपने घर या घर के आसपास पेड़ पौधों की देखभाल करते हो? सभी को एक एक पेड़ बोना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए, उसका लालन पालन करके उसको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे जीवन का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी में शुद्ध भी नहीं रहेगी, वातावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा। तो हमें वातावरण की शुद्धि के लिए भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार भी होते हैं। अगर हम पेड़ पौधे काट के नए नए बिल्डिंग्स बनाएंगे तो फिर ऐसी सृष्टि हमें अच्छी भी नहीं लगेगी और सृष्टि में बैलेंस भी चला जाएगा, क्योंकि बारिश भी पेड़ पौधों से ही आती है। तो इस लेसन में, इस पाठ में पेड़ पौधों का महत्व समझाया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के क्रम अनुसार लगाओ। अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, तो उस अनुसार आपको ये सारे वाक्य पढ़ने हैं और यहाँ पे क्रम डालना है कि ये कहानी के अनुसार कौन सा वाक्य फर्स्ट आएगा, कौन सा वाक्य सेकंड आएगा, ऐसे आपको यहाँ पे नंबर्स लगाने हैं। ये आपका गृह कार्य है। और नीचे वर्ण विच्छेदन करना है, तो वो भी आपको गृह कार्य में करना है। ये सारे शब्दों के वर्ण विच्छेदन करने हैं। तो ये दोनों, ये जो दो एक्सरसाइज है वो आपका गृह कार्य है। तो फ्रेंड्स, जो आपको होमवर्क दिया गया है वो पाठ जैसे मैंने आपको समझाया उसके अनुसार क्रम देना है और वर्ण विच्छेदन करना है। चलो कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।